दोस्तों, आजकल के टाइम में एक बाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। और कुछ जिन लोगों ने ज़्यादा दूर जाना होता है उनके लिए माइलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बाइक में सिर्फ वो माइलेज के लिए वो ख़रीदते हैं। तो ऐसी कुछ बाइक्स है जिसमें आपको माइलेज एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगी। इन्हीं बाइक्स में से ज़्यादातर बाइक्स TVS की ही होती है। तो TVS की दोस्तों हम आज एक ऐसे बाइक का रिव्यू करने वाले हैं जिसको हम माइलेज किंग भी कह सकते हैं। इस बाइक में आपको अराउंड 90 to 95 KMPL की माइलेज देखने को मिल जाएगी। ये जो बाइक है ये TVS स्पोर्ट होने वाली है। ये आपको 100 cc का इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाता है। हम TVS स्पोर्ट ELS का आज रिव्यू करने वाले हैं, जो इसका टॉप वेरिएंट है इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ। एक KLS भी आता है, वो इसका किक स्टार्ट वेरियंट होता है। दोस्तों, इसमें आपको जैसे कि किक एंड सेल्फ दोनों देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको अलॉय व्हील्स एंड आपको इसकी जो प्राइसिंग है 44,672 रुपीज़ से इसकी ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होती है, और ये 55,000 तक ये जाती है इसके टॉप वेरिएंट तक, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इसकी जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं इसका लगभग प्राइस 55,000 है ऑन रोड प्राइस इन लुधियाना पंजाब। दोस्तों, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप अलायंस TVS में विजिट कर सकते हैं। यहाँ का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप रहे राइडर सचिन। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज लाइक नहीं किया आप ज़रूर लाइक कर ले। और तो आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर ले। अब दोस्तों, आपको ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को मैं इधर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। दोस्तों, अगर हम लुक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बाइक आपको बिल्कुल ही सिंपल लुकिंग में देखने को मिलेगी। और इसमें आपको थोड़ी थोड़ी स्पोर्टिश लुक देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसका नाम है TVS स्पोर्ट। फ्रंट साइड से आप देखेंगे आपको एक TVS का लोगो ब्लैक कलर के वाइज़र में देखने को मिल जाएगा, और साथ में थोड़े से ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, और एक हैलोजन बल्ब आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, और आपको एक ब्लैक कलर का मडगार्ड भी देखने को मिलेगा जो आपको ग्लोसी फिनिशिंग में मिल जाएगा। नीचे आप इसके अलॉय व्हील्स भी देख सकते हैं, और साथ में आपको SBT टेक्नोलॉजी का स्टिकर देखने को मिलेगा, और आप इसके इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं नॉन फ्लेक्सिबल आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप इसके टैंक को भी देख सकते हैं। टैंक आपकी ग्लोसी फिनिशिंग में मेटालिक देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल लुकिंग है टैंक की भी। TVS का आपको 3D एम्बलम देखने को मिल जाता है, और नीचे कुछ ग्राफिक्स भी आपको मिल जाएंगे जो इसकी मतलब सुंदरता को और बढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश है ये ग्राफिक्स। सीट की क्वालिटी की बात करें तो सीट की क्वालिटी अब आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। डुअल टोन सीट है, साथ में स्टिचिंग भी आपको मिल जाएगी। सॉफ्टनेस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। आराम से आप जैसे आप 40-50 किलोमीटर भी चलाओगे तो आपकी बैक में कोई पेन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऐसी बाइक है तो लॉन्ग टूर के लिए इसलिए नहीं होगी, सिटी के लिए ये बनाई गई है ये बाइक, और ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट आपको ग्लोसी फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। बैक साइड से अगर हम लुकिंग की बात करें तो आप देखेंगे आपको एक पिलियन ग्रैवरिल देखने को मिल जाएगा जो आपको मटा देखने को मिलेगा, जिसकी ग्रिप काफ़ी है। नीचे आपको TVS का लोगो दिख जाएगा, और एक आपको बैक लाइट भी दिखी आपको, जो आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर्स भी बैक साइड से, और एक मडगार्ड भी छोटा सा देखने को मिल जाएगा। सीट के नीचे देखेंगे तो आपको ELS दिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट वाली बाइक है। और साथ में आपको TVS स्पोर्ट की आपको स्पोर्ट का आपको लोगो देखने को मिलेगा, और कुछ स्टाइलिश ग्राफिक्स भी आपको मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें आपको एनालॉग इसमें आपको दिख जाता है, जो काफ़ी सिंपल है। आपको हम दिखा देते किस तरह का है। आप देखो, स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, और आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा, फ्यूल न्यूट्रल आइकन, लो बीम हाई बीम, पावर मोड, क्रोमी मोड एंड साइड इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी देखने। स्विच गियर्स की बात करें तो स्विच गियर्स भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के आपको दिख जाते हैं। आप देख रहे हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, एंड आपको लो बीम हाई बीम स्विच देखने को मिल जाएगा, साइड इंडिकेटर्स, चौक एंड हॉर्न आपको मिलेगा, और आपको राइट साइड में एक सेल्फ देखने को मिल जाती है। यही सब है दोस्तों इसके स्विच गियर्स में आप देख रहे हैं। हैंडल बार की बात करें तो हैंडल बार भी काफ़ी सिंपल सा दिया गया है आपको, ज़्यादा कुछ स्टाइलिश आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन ही इसकी मेन चीज़ है। जो इसका फ्यूल एफिशिएंट इंजन है ड्यूरालाइफ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ड्यूरालाइफ का मतलब है जैसे कोई बाइक अगर 3 साल चलेगी तो ये 5 साल तक ये चल सकती है, ये कंपनी की क्लेम करती है। अगर हम बाइक के इंजन की बात करें तो आपको सिंगल सिलेंडर 99.7 cc का 4-स्ट्रोक ड्यूरालाइफ इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 7.4 PS पे ये जनरेट करता है 7500 RPM पर, और ये 7.8 Nm की टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पर। ये आपको सिंगल सिलेंडर देखने को मिलेगा।
इसमें आपको चार गियर्स देखने को मिल जाएंगे। सारे गियर इसके बैक साइड को ही पड़ते हैं। कार्बोरेटर के थ्रू इसकी फ्यूल डिलीवरी होती है और ये किक एंड सेल्फ दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है पहले जो आता था TVS स्पोर्ट उसके मुकाबले। आपको इसमें फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगी विद SBT टेक्नोलॉजी। SBT टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है अगर आप जैसे कि पिछली ब्रेक दबाओगे तो साथ में आपका फ्रंट टायर भी रुक जाएगा। ये टेक्नोलॉजी मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आजकल सभी बाइक में यही आपको देखने को मिलेगी, जैसे SBT, CBS, ASB, IBS सभी आपको अलग अलग नाम चेंज करके ये टेक्नोलॉजी देंगे। रेयर में भी आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगी जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है डेली यूसेज में। दोस्तों अगर हम सस्पेंशंस की बात करें तो सस्पेंशंस भी इसके काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ आपको इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो इसके आपको काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी के मिलेंगे, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसकी प्राइस के हिसाब से। रेयर सस्पेंशंस की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की आपको फिनिशिंग के साथ काफ़ी बढ़िया देखने में लगते हैं। दोस्तों अगर हम इसके टायर्स एंड अलॉयज़ की बात करें तो आपको इसमें दोनों ही आपको 17 इंचज़ के टायर देखने को मिल जाएंगे जो आप देख रहे हैं। फ्रंट अगर टायर की बात करें तो 100x80 का देखने को मिलेगा, रेयर वाला 110x आपको 160 का देखने को मिल जाएगा जो आपको काफ़ी बढ़िया टायर की क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही आपको ट्यूब वाले देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस अभी इसमें नहीं आए हैं और अलॉय व्हील्स के साथ ये टायर्स व्हील्स इसके आते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई इसके टायर्स एंड अलॉयज़ की, अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की थोड़ी सी हम अधिक जानकारी में। इसकी अगर हम दोस्तों लेंथ की बात करें तो 1950 mm की आपको लेंथ देखने को मिलेगी, 705 mm का व्हील बेस मिल जाएगा और इसमें हाइट आपको 1080 mm का देखने को मिलेगा। व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको 1236 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और सीट हाइट भी आपको मिल जाती है 790 mm की। फ्यूल टैंक की बात करें तो लगभग 10 लीटर का इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अगर कंपनी क्लेम करती है 95 mpl की तो ये इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 10 लीटर में 950 km चलेगा, पर लगभग इतना चलेगा नहीं, ज़्यादा 800-850 मेरे हिसाब से चलेगा। इसका माइलेज टेस्टिंग भी कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर कस में भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूँगा। वेट की बात करें तो 108.5 kg इसका कब वेट है। इसकी अगर हम 0 to 60 अगर हम बात करें ये कितनी जल्दी जाता है 0 से 60 तक की स्पीड में, ये 9.2 सेकेंड। माइलेज की तो मैंने आपको बात बता दी 95 km/h और इसकी टॉप स्पीड है 85 km/h। कलर्स की बात करें तो कलर्स भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, तो ये शोरूम में विज़िट करके आप देख सकते हैं अलायंस TVS में, यहाँ का नंबर आप स्क्रीन पर और लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो तरह की लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन भी है उसे भी दबा लें। और दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक फेसबुक पेज पे अभी लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर ले, उसका भी लिंक दे दूँगा। अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, ये वीडियो आप हम इधर ही एंड करते, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।